चार देशों से जुड़े निकले सीमा हैदर के तार। एटीएस की पूछताछ में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। आखिरकार कई राज उगल दिए सीमा हैदर ने। एटीएस की लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ हुई। जब सीमा हैदर से पूछा गया कि बगैर वीजा भारत में एंट्री कैसे हुई, तो इस पर सीमा हैदर ने अब हर बार से अलग जवाब दिया और बड़ा चौंकाने वाला जवाब दिया। आगे बताऊंगा मैं आपको पूरी बड़ी खबर विस्तार से। वहीं देखिए आप बयान, सबूत और दस्तावेज सीमा हैदर के मेल नहीं खा रहे हैं। एटीएस के सिकंजे में ऐसे फंसती जा रही सीमा हैदर। चार मोबाइल फोन, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट, सीमा हैदर पर कसा गया सिकंजा। पूछताछ के बाद क्या बोली यूपी एटीएस? भले दोस्तों, एटीएस ने अभी तक आधिकारिक विज्ञप्ति में ये कहा कि सीमा हैदर के खिलाफ जासूसी या किसी संदिग्ध गतिविधि की बात सामने नहीं आई है। उसके बाद से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन और 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद हुए हैं, जिनमें से एक पासपोर्ट पर अधूरा नाम और पता दर्ज है। लेकिन एटीएस ने ही इन सब सवालों के बीच एक और बड़ा खुलासा कर दिया। देखिए आप, सीमा हैदर पर खुलासे के बाद नोएडा में सचिन के घर के बाहर हंगामा समझ गया। कई लोग बैनर और पोस्टर लेकर पहुंच गए विरोध करने के लिए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। महिला ने पोस्टर ले रखा कि पाकिस्तान के अब्बू की जागीर नहीं है हिंदुस्तान। सीमा हैदर को तुरंत हिंदुस्तान से बाहर निकाला जाए, कई सारे हिंदू संगठनों ने ये नारेबाजी करते हुए विरोध किया। और इसी बीच यूपी पुलिस ने भी सीमा हैदर को लेकर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि क्या सीमा हैदर वापस पाकिस्तान जाएगी। तो इस पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कुछ अहम बातें कही है। हालांकि सीमा के जासूस होने या न होने पर उन्होंने अभी तक कुछ साफ नहीं किया, लेकिन सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने का संकेत जरूर दे दिया। उन्होंने कहा कि कानूनन तरीके से इस मामले की पूरी तरीके से जांच चल रही है। आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और भी कई सारी देश की सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई हैं। और सीमा हैदर किसी भी तरीके से कुछ भी गलत पाई जाती है तो जरूर उसे पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा। लेकिन अगर सीमा हैदर कोई जासूस निकलती है सच में, मतलब कोई स्पाई निकलती है, तो उस कंडीशन में सीमा हैदर पर भारतीय कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, उसे वापस पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। हालांकि सीमा हैदर के चारों बच्चे बच्चों को तब भी पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। एक सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा जो सीमा हैदर को लेकर निकल कर आ रहा है कि क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग ने सीमा हैदर को बॉर्डर पार कराया। अब दोनों मुल्कों में हुआ जान का जोखिम। क्या सीमा हैदर का भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग से कोई कनेक्शन है? इस मामले पर अब एक सबसे बड़ा खुलासा आ रहा है, क्योंकि जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि नेपाल से 4 बच्चों को लेकर सीमा हैदर ने बॉर्डर पार कैसे कर ली। बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास मानव तस्करों की भरमार है और ये अब नेपाल बॉर्डर पर भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग सक्रिय हो रही है। इसलिए क्या कहीं सीमा हैदर खुद भी इस ट्रैफिकिंग गैंग का हिस्सा तो नहीं है, या इसी गैंग के किसी सदस्य के माध्यम से बॉर्डर पार की? इस मामले में हमारे पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास यानी इंडियन एम्बेसी को भी अलर्ट जारी कर दिया और अब पाकिस्तान से सबूत आएंगे सीमा हैदर के सच का पता लगाने के लिए। पाकिस्तान स्थित इंडियन एम्बेसी में भी अलर्ट भेज दिया गया और दोस्तों पाकिस्तान में भी सीमा हैदर द्वारा बताई जा रही सभी बातों को एक एक करके वेरीफाई किया जाएगा, पता लगाया जाएगा कि क्या सीमा हैदर वाकई में जो भारत में बातें बता रही अपनी पाकिस्तान की जिंदगी के बारे में, क्या वो सही है या गलत है। क्योंकि सीमा हैदर का भाई भी पाकिस्तानी सेना में है, उसके चाचा भी पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती है और इसीलिए सीमा का पाकिस्तान आर्मी से कनेक्शन और परिवार को लेकर पति ने कुछ और खुलासे किए हैं। सीमा हैदर के हिंदू धर्म अपनाने पर पाकिस्तान के हिंदू भी खौफ में है, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। खबर है कि फिर से अरेस्ट हो सकती है सीमा हैदर। आईबी के रेड फ्लैग के बाद एटीएस हुई एक्टिव, पाकिस्तानी सिम तोड़ा, डेटा डिलीट किया। सीमा हैदर के आईएसआई कनेक्शन से जुड़े मामले पर भी जांच चल रही है और देखते हैं दोस्तों इस मामले पर आगे और क्या नए खुलासे सामने आते, मैं आपको बता दूंगा अपडेट इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।